अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। आज हमारा सीएसएस का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे सीएसएस फॉन्ट को। ठीक है, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट एंड फॉन्ट वेट। आपने पहले लेक्चर नहीं लिए तो उसे पहले वॉच कर लीजिए इसे देखने से पहले, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो हो आई होप आप लोगों को ये समझना है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही मैंने एक HTML की फाइल बना ली है, HTML। ठीक है, टाइटल दे देता हूँ मैं इसका, CSS लेक्चर लेक्चर 4। ओके ठीक है, इधर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ इसमें मैं लिख लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ, CSS लेक्चर 4। ओके, आप लोगों को पता है कि जैसे ही फॉन्ट का नाम आता है तो फॉन्ट पैराग्राफ पे यूज़ होता है, हेडिंग पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में भी हम लोग देखते हैं कि उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, टाइम्स रोमन, ये आप इन सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता ही है? मैं आज इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके अंदर ही स्टाइल। ओके, इधर मैं लिखूँगा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मैंने लिखा। अब फॉन्ट फैमिली किस तरह की आप रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहता हूँ टाइम्स। ठीक है, टाइम्स की। ओके, अब मैं इसे करूँगा सेव, ओपन इन ब्राउज़र। ये देखिए, ये आपको CSS लेक्चर 4 इसकी फैमिली शो हो रही है। जैसे ही मैं इधर आता हूँ इसे मैं चेंज करके देखता हूँ। ओके, मैं इसे क्या कर लेता हूँ, सेरिफ कर लेता हूँ। ये आ गया सेरिफ। सेंस सेरिफ भी कर सकते हैं, सेरिफ भी आप कर सकते हैं। मैं सेंस सेरिफ करता हूँ, सेव करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र, रिफ्रेश। ये देखिए, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। काफ़ी सारी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, वो आप लोग देख लीजिए खुद ही। बस मैंने आपको तरीका बताना था कि आप लिखते कैसे हैं, क्योंकि आप अब लोग इस काबिल हो चुके हैं कि मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ तो आप खुद ब खुद ही सीख सकते हैं। ओके, अब अगला हम नेक्स्ट देखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इधर मैं लिख लूंगा फॉन्ट साइज। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इसका फॉन्ट साइज है ये, तो साइज छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल देते थे पीछे भी, मैंने दे दिया 120px। सेव किया, ब्राउजर पे गए और रिफ्रेश किया। ये देखिए, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब भी कोई वेबसाइट तैयार करते हैं ना तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि उस वेबसाइट ने हमारे लैपटॉप पे भी चलना होता है, डेस्कटॉप पे भी चलना होता है और मोबाइल पे भी चलना होता है। ठीक है, ये डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उसका ये नुकसान होता है कि अगर हमने लैपटॉप पे अपनी चीज़ें सेट कर ली है, जैसे मैंने ये CSS लेक्चर 4 लैपटॉप पे अपने सेट कर ली है, जब मैं इसे मोबाइल पे खोलूंगा ना इस वेबसाइट को, तो इसका व्यू कुछ और तरह आएगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी होती है, उसका साइज छोटा होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए CSS लेक्चर 4। ठीक है, ये दो लाइनों में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की मेरी इतनी स्क्रीन है। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ और ज़्यादा। ये देखिए, ये मेरी साइज है, लेकिन CSS लेक्चर 4 ये दो लाइनों में कन्वर्ट हो गया है। हालांकि मैंने जब लैपटॉप पे इसे बनाया था ना तो मैंने इसकी एक लाइन रखी थी। ये देखिए, इसकी एक लाइन थी। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि इसकी एक लाइन आएगी, लेकिन जो मोबाइल यूज़ कर रहा है उसने मेरी वेबसाइट जब देखी तो उसे पता चला कि ये तो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, उसे ऐसे नज़र आ रहा है, तो ये हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसको रिस्पॉन्सिव किया जाता है। वो कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, बाकी चीज़ों को भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फ़ॉन्ट साइज़ को रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम px यूज़ करते हैं ना, px की जगह हमने यूज़ करना है vw। vw का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। जैसे हम, मैं इधर लिखता हूँ 1 view vw। ठीक है, जैसे हम परसेंटेज देते थे ना, 1%, 2%, 3%, ये वैसे ही काम करता है, 100 तक आप इसको दे सकते हैं। मैंने vw1 दिया, सेव किया इसे, ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। ये देखिए, ये छोटा साइज़ हो गया है। मैं अभी आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव होगा इसका। ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ
50। अब देखिएगा, सॉरी ज़्यादा साइज बड़ा हो गया है, थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, 10 कर देता हूँ। अब देखते हैं ज़रा, ये देखिए सी एस एस लेक्चर 4 एक लाइन में आ रहा है। जैसे ही मैं इस स्क्रीन को छोटा करने लगा हूँ, क्योंकि क्योंकि कोई मोबाइल पे देखेगा इसे तो उसे कैसा व्यू नज़र आएगा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं छोटा करता जा रहा हूँ वैसे ही इसका साइज भी छोटा होता जा रहा है, और जैसे ही बड़ा करता जा रहा हूँ इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये इसका हमें फायदा है। ठीक है, ये देखिए साइज भी उसका छोटा हो गया है। जैसी स्क्रीन होगी वैसे ही हमारा टेक्स्ट शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आप छोटी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली ही डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये इसका फायदा होता है हमें। किसका फायदा होता है? VW यूज करने का, व्यू पोर्ट विड्थ, इनको यूज करने का, व्यू पोर्ट विड्थ को यूज करने का। ठीक है, ये फॉन्ट साइज भी आपको लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल नाम से ही जाहिर है कि आपने स्टाइल कौन कौन सा रखना है। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल ये आ गया स्टाइल। ठीक है, स्टाइल अब हमारे पास होते हैं इटैलिक हो गया, नॉर्मल हो गया, बोल्ड हो गया, ये चीजें होती हैं। जैसे कि इटैलिक में करता हूँ इधर, ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ओपन इन ब्राउजर किया, अब देखिएगा इसका फॉन्ट साइज इटैलिक हो गया, फॉन्ट स्टाइल सॉरी इटैलिक हो गया। ऐसे ही हमारे पास होता है बोल्ड, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हम एमएस वर्ड में स्टाइल देखते हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं। आप सबको देख लीजिएगा, मेरा मकसद था सिर्फ आपको बताना, क्योंकि आप इस काबिल हो चुके हैं। अब इनशाला आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी खुद की वेबसाइट भी तैयार कर सकेंगे। फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, इसे फिलहाल नहीं हम देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे। फॉन्ट वेट, ठीक है, जो चीज़ें मैं स्किप करवा रहा हूँ ना, पिछले लेक्चर में मैंने स्किप कराई थी, अभी भी करवा रहा हूँ, वो आपको इस अभी समझ आ नहीं सकती, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप में और जावास्क्रिप्ट में जाके यूज़ होंगी, तो इसका इतना काम नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों स्किप करा रहे हैं। ओके, अब देखेंगे फॉन्ट वेट। नाम से ही जाहिर है वेट, वेट का मतलब है कि उसको आप कितना भारी करना चाह रहे हैं, कितना भारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेट उसका कितना रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ, वेट मैं उसका रखना चाह रहा हूँ नॉर्मल, नॉर्मल वेट भी होता है। ठीक है, ये देखिए अभी इसका ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ, अब देखिए ये इसका फॉन्ट नॉर्मल है। ठीक है, जैसे ही मैं इसे कर देता हूँ 900, सिंपल, आपने इसमें पीएक्स नहीं लिखना होता, इसमें सिर्फ आप 900, 0 से लेके 1000 तक वैल्यू इधर दे सकते हैं। 900 मैंने किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, ये देखिए उसका वेट थोड़ा भारी हो गया। ठीक है, ये होता है फॉन्ट वेट। ये थी हमारी आज की फॉन्ट सीएसएस फॉन्ट, ये खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीएसएस आइकन्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, आप इसे गौर से देखिए और आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छी तरह सुन लें। सी एस एस आइकन्स ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम देखते हैं किसी पे, जब हम यूज़र नेम टाइप करते हैं तो यूज़र का आइकन बना होता है, या कोई हम पासवर्ड का टाइप करते हैं तो पासवर्ड आइकन बना होता है, फेसबुक का हम आइकन देखते हैं, ट्विटर का आइकन देखते हैं, ये जितने भी आइकन हैं इसे कहते हैं सी एस एस आइकन्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले ना आपको एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसका नाम है फॉन्ट ओसम। फॉन्ट ओसम, मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। ओके, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये वाला फोल्डर अपेयर होगा, फॉन्ट ओसम फ्री 5.12.0 वेब। ठीक है, आपने इसे करना है एक्सट्रैक्ट, मैं इसे कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया फोल्डर। ठीक है, आपने इसे कर लेना है ओपन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और इसके लिए एक बात बता दूं, जब आपने फॉन्ट ओसम रन करना है तो आपके लिए आपके लैपटॉप के इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट अगर नहीं होगा तो आप अच्छी तरह इसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको आइकन्स नज़र नहीं आएंगे, इसलिए इंटरनेट
लाजमी हो इसके लिए, इंटरनेट के बगैर नहीं ये चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हैं फाइल्स, इसमें से हमने दो फाइल्स कॉपी करनी है क्योंकि हम अभी करने वाले हैं CSS आइकन्स, CSS बूटस्ट्रैप आइकन्स भी होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जब बूटस्ट्रैप की बारी आएगी। ठीक है, और इन पे हम डेटाबेस पे PHP पे भी काम करेंगे इन आइकॉन्स पे, ठीक है, कि ये कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से दो फाइल्स कॉपी करनी है, एक CSS और एक आपने करनी है वेब फॉन्ट्स, ये दो फाइल्स आपने कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, और आपने इसको वहाँ पे जाके पेस्ट करना है जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है। मैंने यहाँ पे CSS लेक्चर 4 के नाम से प्रोजेक्ट अपना सेव किया डेस्कटॉप पे, मैं यहाँ पे जाके इसे पेस्ट करूँगा। ओके, आपने जहाँ पे भी सेव किया आप वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ठीक है, ये नज़र आ रही है CSS वेब फॉन्ट्स, इनके अंदर भी फाइल्स पड़ी होती हैं। ओके, और CSS के भी अंदर फाइल्स पड़ी होंगी, आप देख सकते हैं। ये सारे लिंक्स हैं जो कि उन्होंने खुद से लाइब्रेरी ने बना के रखे हुए, हमने सिर्फ इसे यूज़ करना है। अब बता देता हूँ कि यूज़ इसे कैसे करना है। सबसे पहले इधर देना लिंक, जैसे हम CSS का एक्सटर्नल फाइल का लिंक देते थे ना, ऐसे ही इधर लिंक देना, लिंक टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पे हमने लिखना है CSS, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ऑल डॉट CSS। ठीक है, इसे एक ही फोल्डर में आपने रखना है। ठीक है, जहाँ पे आपका मेन फोल्डर पड़ा हुआ है आपने वहाँ पे ही इसे रखना है। ठीक है, इस इंडेक्स के करीब ही रखना है, उसी फोल्डर में, तभी तभी ये आप ये वाला दे सकते हैं, वरना आपको इसके पहले पूरा पाथ देना पड़ेगा कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने लिंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद इन आइकॉन्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक होता है आई का टैग। ठीक है, स्पैन भी हम यूज़ कर सकते हैं, आई भी यूज़ कर सकते हैं, हम दोनों यूज़ करके देखेंगे। पहले आई कर लेता हूँ, इधर आपने एक एट्रीब्यूट देना है क्लास का, क्लास। ठीक है, इसके लिए अब यूज़ करना है फा, फिर फा बार। ठीक है, अब आएगा उस चीज़ का नाम जिसे जिस आइकन्स का नाम आएगा जिसको हमने लगाना है। मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लगाना चाहता हूँ ट्विटर को, ट्विटर। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ ट्विटर, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि किसका आइकन है। ठीक है, ट्विटर कंट्रोल एस के साथ सेव किया, अब मैं इसे कर देता हूँ इधर जाके रिफ्रेश। ये देखिए, ये इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ट्विटर का कुछ मसला आ रहा है तो मैं इसको चेंज करके देख लेता हूँ। इधर मैं लिख लेता हूँ फाफा यूज़र, ठीक है, फाफा यूज़र लिखे कंट्रोल सेव के साथ, इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये यूज़र का आइकन हमें नज़र आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से और भी आइकन्स हैं, जैसे इधर मैं एक स्पैन यूज़ करता हूँ, मैंने जैसे बताया था हम स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं और आई भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास मैं लिख लेता हूँ फाफा, फाफा लिख लेता हूँ कार। ठीक है, मैं आपको थोड़ी एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आ गई कार और ये हमारा यूज़र आ गया। ठीक है, इसी तरह आप और भी एक यूज़ हम करके दिखा देता हूँ आई, जैसे कि हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे हर्ट का आइकन, वो मैं बना के दिखा देता हूँ फाफा, इधर लिखेंगे हर्ट। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ किया सेव, रिफ्रेश किया, अब देखिए ये वाला हर्ट भी आ गया। ठीक है, इसी तरह आप थम्स अप का भी बना सकते हैं, जैसे लाइक जिसे बोलते हैं हम, लाइक थम्स अप उसे बोलेंगे। क्लास इधर लिखेंगे फा फा थम्स अप, मे बी मैंने स्पेलिंग ये ठीक लिखे हैं, यही होगा। कंट्रोल एस के साथ किया सेव, इधर करूंगा रिफ्रेश। ये देखिए, ये वाला भी हमारे पास आइकन आ गया। इसे हम बटन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं इसे बटन में यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इसे बटन में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जहाँ मर्ज़ी यूज़ करें, इनपुट टैग के अंदर यूज़ करें, बटन के अंदर यूज़ करें, बाकी भी आप किसी भी चीज़ के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं इससे। वैसे आप देखिए,
इसके अंदर एक पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस के साथ किया सेव, इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश, ये अब बटन बन गया, ये देख रहे हैं, ये मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ। इस पर हम सी एस एस प्रॉपर्टीज लगा के इसे चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसका कलर मैं करना चाह रहा हूँ रेड ब्लू, इधर मैं लिखूंगा बटन, मैं लिखूंगा स्टाइल, ओ सॉरी इधर इसके अंदर आई के अंदर स्टाइल, इसका मैं कलर करना चाह रहा हूँ ब्लू, ठीक है ये आ गया सेव, ये देखिए ये ब्लू हो गया, ठीक है। आप इसी तरह बटन का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल, ठीक है कलर रेड कर देता हूँ, ओके इधर करेंगे रिफ्रेश, सॉरी क्या मसला आ रहा है, कलर है अभी करके देखता हूँ, चलिए ये बाद में हम देख लेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, आपने देखा होगा क्लिक करने से इसका कलर चेंज हो जाता है फेसबुक पे या दूसरी जगहों पे, तो हम वो पीएचपी में देखेंगे और जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि इनके कलर कैसे चेंज करने, जब क्लिक हो तो क्या हो, जब हम साइड पे करें क्या हो, जब ऊपर करें तो क्या हो, ये हम सारा उसमें देखेंगे, सीएसएस में भी देख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम अच्छी तरह देखेंगे। ये मसलन ये बताना आपको ये ज़रूरी था कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनपुट टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इनपुट पहले मैं लिखूंगा आई, ठीक है ये मैं लिखता हूँ इधर क्लास, क्लास फाफा, फाफा यूज़र, ठीक है इधर मैं इनपुट टैग यूज़ करता हूँ इनपुट, इधर मैं टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब ज़रा इधर जाके रिफ्रेश करते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है हमें, ये देखिए सॉरी ये मैंने क्या यूज़ कर लिया, क्या फाफा यूज़र, यूज़र लिखना था फाफा यूज़र, अब देखिएगा ठीक है ये बटन बना हुआ है, उसके अंदर ये आ रहा है, बटन के अंदर मेरा ख्याल ये चीज़ें आ रही। हाँ ये बटन का टैग थोड़ा सा ऊपर क्लोज मुझे करना पड़ेगा, एक्स इधर क्लोज करेंगे, ठीक है अब करूँगा मैं रिफ्रेश, अब देखिएगा ये यूज़र है, ये उसका आ रहा है फील्ड, इसकी आ रही है, आप यूज़र नेम है आपका अहमद तो आप ये टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी एस एस आइकन्स, ठीक है। आपने बस करना क्या है, इसे डाउनलोड करना है, जैसे मैंने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया था आपने वैसा करना है, और इसका पाथ ये वाला दे देना है, फाफा यूज़र लिखें, फाफा कार लिखें, फाफा हर्ट लिखें, फाफा फाफा आप वो भी लिख सकते हैं क्रॉस, आप देख लीजिएगा लिस्ट इंटरनेट से भी मिल जाती है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, ये देखिए ये क्रॉस भी बन गया है, ठीक है काफ़ी सारी होती हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप अपना लास्ट पे लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, ओ सॉरी टास्क लाजमी देख लीजिएगा कि आपका कौन सा टास्क है, और इसे सबमिट भी करवा दीजिएगा। अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप उधर से जाके इसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़। ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है, जिसमें मैंने एक पैराग्राफ यूज़ किया है, उसके अंदर स्पैन टैग यूज़ करके इनके कलर चेंज किए हैं, ठीक है। फिर ये मैंने हेडिंग एक यूज़ की है, जिसका मैंने फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज किया है। फिर मैंने एक टेबल यूज़ किया है, उसके अंदर एक फील्ड्स बनाई हैं, ठीक है। ये फाफा यूज़र का आइकन है, ये फाफा लॉक का आइकन है, और ये फाफा कमेंट का है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, मैं बड़ा छोटा भी इसे कर सकता हूँ, ठीक है। और ये फिर मैंने बटन लगाए हैं, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है और कलर, ठीक है ये भी, ओके बहुत ही ईजी टास्क है, इसे जल्दी से जल्दी सबमिट करवाना है आपने, गुड लक।